एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे थे, आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको लेके हम बात करेंगे यहाँ पे, उसकी आंसर की देखेंगे और उसी के साथ साथ उसको हम ये जो सवाल है इसको यहाँ पर सॉल्व भी करते जाएंगे। इसी के साथ अगर आप ये जो परीक्षा है पहली बार देने वाले हैं, सेकेंड टाइम देने वाले हैं, तो आप इसको एज अ मॉक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको मॉक समझ के भी आप इसके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है सवाल अभी आपके सामने आएंगे, इसके हम पढ़ेंगे और जिस प्रकार से हमने पहले भी किया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ भी आप करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है एंड तक जरूर देखिए, पसंद आती है तो ही लाइक करिए, नहीं आती है तो क्या करिए, नहीं आती है तो फिर इसको शेयर कर दीजिए ताकि और किसी को ये पसंद आ जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, हमारे सेम नेम को सर्च करना है आपको टेलीग्राम के ऊपर, वहां से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और जो भी हमारे फ्री लेक्चर्स की जो सीरीज चल रही है, जैसे अभी आप ये देख रहे हैं 12 बजे, उसी प्रकार से हर दोपहर को 12 बजे आपका कुछ ना कुछ वहाँ पे फ्री लेक्चर या कुछ ना कुछ अपडेट आती है, तो उसको वहां पर आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो ये सब जानकारी कहाँ मिलती है आपको, जानकारी मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपने यूनिट 1 के कई सारे वीडियोज देख लिए हैं, यूनिट 8 के भी कुछ वीडियोज देख ली है फ्री वाली, और यूनिट आपके 3 के भी इस प्रकार के आपके फ्री लेक्चर्स यहाँ पर आ चुके हैं। इनको भी अगर आपने देख लिया तो आपके जो नंबर है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएंगे कहाँ पे, आपके जून 2024 के अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। ऑलराइट, इसी के साथ अगर आप हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं जून 2024 के कोर्स के लिए या फिर दिसंबर के लिए, और अच्छे तरीके से तैयारी और एक बार में आपको सारा कंटेंट वहां मिल जाएगा, सभी चीजें वहां पे आपको जो है अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया हुआ है, वहां पे संपर्क करके आप हमारी टीम से वहां पर बात करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करने वाले हैं आपका यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। आपके इसमें जितने भी मार्क्स आए हैं खुद को एसेस करिए यहाँ पर कि आपने क्या किया और क्या नहीं करना चाहिए था। तो यह आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल, ये बात कर रहा है किसके बारे में, मैच द फॉलोइंग है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको दी है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिल्यूजंस, ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, एक्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस। यहाँ पे आपको लिस्ट में दिए हैं, आपको सिंपली इसको मैच करना है, ठीक है। जब भी आपको इस प्रकार के सवाल मिले आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि कौन सी यहाँ पर इजी चीज है। इजी अगर हम देखें, सबसे इजी क्या है आपके लिए, सबसे इजी है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई करना, और उसी के साथ साथ एक और चीज इजी है, वो है आपकी ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, ठीक है। इस एग्जाम के अंदर अगर आपने इन दोनों को बराबर से मैच कर लिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर देखते हैं, चलिए पहले किसकी बात हो रही है, पहले बात हो रही है यहाँ पे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में। देखते हैं यहाँ किस पे मैच करता है, बिलीविंग दैट वन हैज वेरियस हॉरिबल डिजीज कंडीशंस, नहीं, गेस्टाल्ट तो इस प्रकार की किसी भी डिजीजेस की बात करता नहीं है। एम्फेसिस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डायरेक्शन, क्या गेस्टाल्ट इसकी बात करता है पर्सनल ग्रोथ की, नहीं, इसकी भी नहीं करता। होल इन मोर होल इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, हाँ गेस्टाल्ट जो है इसकी बात करता है, तो ये आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है एग्जाम हॉल के अंदर, ठीक है। तो ए के साथ क्या जाने वाला है, ए के साथ आपका 3 जाने वाला है। तो यहां पर देखिए 2 ऑप्शन में आपके पास है ए के साथ 3, मतलब थर्ड एंड फोर्थ किसी भी सिनेरियो में नहीं हो सकता, ठीक है। अब आपको केवल अगला जो नेक्स्ट चीज फाइंड आउट करनी है वो है बी सी एंड डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर, ये देखिए डिल्यूजन्स आपको मालूम है कहाँ पे देखने मिलते हैं, आपको स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह पे देखने मिलते हैं, और न्यूरोसिस के बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत सुन के रखा हो तो कोई बात नहीं, एक्जिस्टेंशियल से आप समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक और इजी मछली कौन सी है, यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी का पार्ट जोड़ दिया उन्होंने, आपके डीएसएम वाला पार्ट जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है, आपकी जो है यहाँ पर डिसऑर्डर्स जोड़ दिए, मतलब एक ही सवाल में देखिए आपको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या पूछा है, आपको थेरेपी भी पूछ ली प्लस आपको डिसऑर्डर्स के बारे में भी पूछ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो पैटर्न है पेपर का इस प्रकार से अभी सेट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको सभी टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस प्रकार के सवालों को सही कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सही नहीं होगा, बट एक्यूरेसी के साथ कब सही होगा, जब आपको सारी चीजें इसके चारों के चारों ऑप्शंस को आप इजीली वहां पर मैच कर पाएंगे। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है आपसे ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल थेरेपी, यानी कि मानवतावादी अस्तित्ववादी चिकित्सा के बारे में बात करें तो वो किसकी बात करता है, जैसे ही आपके ह्यूमनिस्टिक वाले आते हैं, कौन आते हैं, आपके मैस्लो एंड आपके कार्ल रॉजर्स, जैसे ही इनकी एंट्री होती है आपको मालूम पड़ जाता है किसकी बात होगी यहाँ पे, स्वयं के उद्देश्यों की बात होगी, पर्सनल ग्रोथ की बात होगी, तो एम्फेसिस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डायरेक्शन की बात करता है कौन सा, आपका ये सी के साथ क्या जाएगा, आपका सी के साथ सेकंड जाएगा, एंड ए के साथ हमने क्या देखा था अभी थर्ड, तो ए के साथ थर्ड यहाँ पे भी है, सी के साथ सेकंड कहाँ पे, सी के साथ सेकंड ये वाला है,
तो आपका राइट आंसर क्या होता है यहाँ पे, आपका ऑप्शन नंबर टू, ए के साथ थ्री, बी के साथ वन, सी के साथ टू एंड डी के साथ फोर, ये जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइपोकॉन्ड्रियाकल डिल्यूजन में क्या होने वाला है, बिलीविंग दैट वन हैज वेरियस हॉरिबल डिजीज कंडीशन, आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, बड़ी खतरनाक स्थिति हो चुकी है कई लोगों के साथ। और अब यहां पर देखिए एग्जिस्टेंशियल न्यूरोसिस क्या बोल रहे हैं, फीलिंग ऑफ एलियनेशन, मीनिंगलेसनेस एंड एपैथी। ठीक है, ऐसा न्यूरोसिस जिसमें क्या हो चुके हैं आप, एलियन बन चुके हैं। एलियन क्या होता है, अकेले में रहता है, ठीक है, एंड लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं है। और जबकि आपको मालूम है अस्तित्ववादी उपागम जो है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, नॉट थेरेपी बट जो साइकोलॉजी है, वो किसकी बात करता है, वो बात करता है आपके मीनिंग इन लाइफ। ठीक है, मीनिंग इन लाइफ की बात करता है। आप एंट्री किसकी होती है, सोरेन कियरगार्ड की होती है। ठीक है, उन लोगों की एंट्री होती है, यहाँ से आपकी क्या लेके आते हैं आपके लिए, एग्जिस्टेंशियलिज्म लेके आते हैं। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, स्वकाय दुष्टता, रोग भ्रांति, मानवतावादी अस्तित्वात्मक रोगोपचार, अस्तित्वात्मक मनोक्षेप, ये इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर टू, ए के साथ थ्री, बी के साथ वन, सी के साथ टू एंड डी के साथ फोर। ठीक है, यह मानना कि उसे विभिन्न घातक बीमारियां हैं, कौन मानेगा यहाँ पे, स्वकाय दुश्चिंता रोग भ्रांति। देखिए हिंदी में इसको देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है, कहीं भी डिजीजेस की बात नहीं है यहाँ। देखिए स्वकाय दुश्चिंता रोग, रोग की कहां बात हो रही है, रोग की बात हो रही है केवल आपके ऑप्शन नंबर वन के अंदर। फिर ऐसे आप बी के साथ वन मैच करते हैं, अगेन आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ए को आपने इजिली फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, तो यह करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर। अब यहां चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, अगला सवाल क्या बोलता है उसके बारे में। ओके, अगला सवाल लिया है आपकी कौन सी यूनिट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी एरर कंपोनेंट इन अनोवा। ठीक है, अगर अनोवा आपको बनता है अच्छे से तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित में से अनोवा में त्रुटि घटक किसको माना जाता है, ठीक है, एरर कंपोनेंट कौन सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बिटवीन मीन स्क्वायर, विद इन मीन स्क्वायर, इंटरेक्शन मीन स्क्वायर, टोटल मीन स्क्वायर। ठीक है, माध्य वर्ग के बीच, माध्य वर्ग के अंदर, माध्य वर्ग की अनुक्रिया और माध्य वर्ग का योग, इसको आप ध्यान रखेंगे आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। माध्य वर्ग के बीच मतलब क्या होता है, बिटवीन मीन स्क्वायर, और आपका विद इन क्या होता है कि अंदर की बात। ठीक है, बीच और अंदर यहाँ ध्यान रखेंगे, वैसे बंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एरर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं अनोवा में। अनोवा में आप कई सारी चीजें निकालते हैं, तो आपका जो विद इन मीन स्क्वायर निकालते हैं आप, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को इसका त्रुटि घटक भी बोला जाता है। ठीक है, तो भले उसको आप मीन, विद इन मीन स्क्वायर बोले या एरर कंपोनेंट बोले, यहाँ पे उसी की सेम जैसी ही बातें होती हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, माध्य वर्ग के अंदर यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये है आपके सेकेंड नंबर यूनिट से, रिसर्च वाला जो भाग है आपका, शोध वाला, वहां से आपको पूछा गया है। आसान सवाल पूछा गया है इस बार रिसर्च से ये वाला, लेकिन जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए सवाल टफ है। ठीक है, ओके, तो उसी के साथ यहाँ पे बात कर रहे हैं अनोवा क्या होता है आपका, आपका होता है एनालिसिस ऑफ वेरियंस। ठीक है, यानी कि आपके प्रसरण का क्या होता है, प्रसरण का आपके विश्लेषण होता है। ठीक है, प्रसरण आपका क्या होता है, वो आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होता है। इस सभी सीरीज के लिए आप जो है रिसर्च वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, पे करने के बाद। ऑलराइट, ओके, ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला ये जो सवाल देखा आपने, इसका करेक्ट आंसर क्या है, विद इन मीन स्क्वायर इसका सही आंसर है। अगला देखिए सवाल पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 20 नीड्स लिस्टेड बाय मुरे 1938। ठीक है, 1938 में अगर आप देखेंगे इस पेपर के अंदर, आपको डोमिनेंस मिलेगा 1947 के पहले की काफी चीजें, इवन 1800 की चीजें यहाँ पे काफी पूछी गई हैं। ठीक है, चार से पांच सवाल आपको पूछे गए हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी और उस सबसे संबंधित, तो आगे पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। ऑलराइट, हमको यहाँ देखना है सकरेंस, सेंटियंस, सेक्स एंड सेफ्टी। मुरे द्वारा 1938 में सूचीबद्ध की गई 20 आवश्यकताओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये है किसको बनेगा यहाँ पे, जिसका लग अच्छा है, जिसका उस दिन किस्मत चमक गई उसका ऐसा ही हो जाएगा, या फिर जिसको वो 20 नीड्स के बारे में जानकारी है, मालूम है, वही इस प्रकार के सवाल को सही कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात होती है आपके इस वाले सवाल के अंदर, मरे की जो नीड्स है उसमें आपके सकरेंस की बात होती है, सेंटियंस की बात होती है, सेक्स की बात होती है, अवलंबिता, संविदिता, काम की बात होती है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात नहीं होती है, सेफ्टी की बात नहीं होती है। ठीक है, सुरक्षा की नीड्स की बात नहीं करते हैं आपके मुरे जो है 1938 में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये बात कौन करते हैं, मैस्लो करते हैं क्या, क्या पता, शायद करते हैं अब्राहम मैस्लो। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 20 नीड्स, तो जो सेफ्टी है वो आपकी 20 नीड्स में से नहीं है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर। अगला सवाल देखिए आपका पूछा गया है साइकोथेरेपी वाले एरिया से, यानी कि आपकी यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, सोक्रेट्स क्वेश्चनिंग इज अ फिलोसफिकल क्वेश्चनिंग टेक्निक फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, साइको एनालिटिकल टेक्निक, टेक्निक इन विच काउंसलर आस्क द क्वेश्चन टू द क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सुकरात पुरुषा जो है, सोक्रेट क्वेश्चनिंग है, दार्शनिक प्रश्न, आत्मबोध हेतु तकनीक,
मनोविश्लेषक तकनीक या फिर एक तकनीक जिसमें परामर्शदाता सेवार्थी से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है, आपका टेक्निक फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या है, टेक्निक इन विच काउंसलर आस्क द क्वेश्चन टू द क्लाइंट। अब यहाँ पर दोनों ऑप्शन को देखिए, ये दोनों सही हो सकते थे बट ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सेकंड को माना है। ठीक है, तो सोक्रेट्स क्वेश्चनिंग क्या है, टेक्निक फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, बट अगर आप देखें यहाँ पे आत्मबोध हेतु तकनीक इसको सही बोला है, एक तकनीक जिसमें परामर्शदाता सेवार्थी से प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे हैं, सब्जेक्टिव इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे किसके एंड से पूछ रहे हैं, क्लाइंट के एंड से एनटीए आंसर चाह रहा है या फिर आपके जो थेरेपिस्ट है ठीक है उसके एंड से आंसर पूछना चाह रहा है। ठीक है, अगर थेरेपिस्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर रख के देखे तो ये वाला आंसर सही होता है, एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर जो है जो काउंसलर है आपका वो सवाल पूछता है और उसके अंदर जो चीज होती है क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से आपकी क्या होती है, टेक्निक फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू बोला है तो आप इसको मान के चलें, टेक्निक फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जो है ये क्या है, सोक्रेट्स क्वेश्चनिंग के अंदर होता है, आत्मबोध हेतु तकनीक है आपकी ये। सोक्रेट क्वेश्चनिंग अगली बार रिपीट होगा, बहुत ही वीक चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है। ऑलराइट, ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला सवाल जो पूछ रहा है आपसे, एटीट्यूड विच इज कॉन्शियस एंड इजी टू रिपोर्ट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट एटीट्यूड, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, अनकॉन्शियस एटीट्यूड या फिर इंट्रिंसिक एटीट्यूड। चेतन और सरलतापूर्वक सूचित की जा सकने वाली अभिवृत्ति को निम्न में से क्या कहा जाता है, अंतर्निहित अभिवृत्ति, सुनिश्चित अभिवृत्ति, सचेतन अभिवृत्ति एंड आपकी यहाँ पर आंतरिक अभिवृत्ति के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो आपके चेतन में है और सरलतापूर्वक सूचित की जा सकती है उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, वो किसका आंसर होगा, आंसर होगा आपका यहाँ पर एक्सप्लिसिट एटीट्यूड के बारे में। ठीक है, सुनिश्चित अभिवृत्ति की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये थोड़ा बहुत जो लिंक करता है आपके 2021 के पीवाईक्यू से। ठीक है, 2021 में भी इसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया था, मेयर एक्सपोजर करके एक कॉन्सेप्ट था वहां पे और वहां पे भी कुछ इसी प्रकार के सेंटेंस थे। तो इसलिए आपको कहते हैं कि अगर आपने 2021 की सीरीज नहीं देखी है तो ऑब्वियसली आप वहां पे 2 से 4 मार्क्स ऑब्वियसली एग्जाम के पहले ही लूज करके जा रहे हैं अगर आपने उसको प्रॉपरली नहीं देखा है तो। ठीक है, तो उसको देखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपके मार्क्स बढ़ाएगा। 2021 में बनी थी वो, बनी थी इन द सेंस वो जो सवाल थे जो उसकी जो सीरीज बनाई थी 2021 की, वो आज भी देखिए दिसंबर 23 में भी काम आई आपको एंड 24 जून में भी आएगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, एक्सप्लिसिट एटीट्यूड। अगला देखिए, अगला सवाल जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, वो है अकॉर्डिंग टू पियागेट थ्योरी, पियागेट्स थ्योरी, अ कॉग्निटिव प्रोसेस इन विच स्कीमा इज मॉडिफाइड एज अ रिस्पॉन्स टू फीडबैक फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, ये आप हैं, आपका कुछ मेंटल स्कीमा बन के रखा है ऑलरेडी, एनवायरमेंट से आपको और कुछ मिला, आप क्या कर रहे हैं उसको चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस संज्ञानात्मक प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है, जिसमें अन्विती योजना को, स्कीमा की बात कर रहे हैं, को पर्यावरण से प्रतिपुष्टि की अनुक्रिया के रूप में संशोधित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, कंजर्वेशन है, ऑपरेशन है, प्रचालन है, संरक्षण है, लेकिन समस्या कहाँ आएगी आपको, समस्या आएगी आपको इन दो ऑप्शन के अंदर, कंफ्यूजन आपको यहाँ पर होगा। ठीक है, एंड राइट आंसर क्या है यहाँ पे आपका, समंजन की बात करता है, अकोमोडेशन की बात करता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जो आपका स्कीमा बन चुका है उसमें आप मॉडिफाई करके क्या कर रहे हैं, उसको वहां पर जगह बना रहे हैं। ठीक है, समंजन कर रहे हैं मतलब अकोमोडेट कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं उस चीज के लिए, क्यों करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए उस स्कीमा को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अकोमोडेशन बोलते हैं, उसको हम समंजन की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन में देखिए क्या हो रहा है, आत्मसातकरण यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो एसिमिलेशन नहीं होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या है, समंजन होगा, अकोमोडेशन होगा। अगर आप इस पेपर को देखें तो पियागेट की थ्योरी से ही आपको देखिए यहाँ पर दो सवाल पूछे गए थे। ठीक है, 2 questions have been asked from this paper from पियागेट, जीन पियागेट। ठीक है, एक का आंसर एसिमिलेशन था, एक का आंसर अकोमोडेशन था, ऐसा ही कुछ था शायद। ठीक है, अभी आगे उसको देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 अकोमोडेशन। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है ओके, ये सवाल अगर आपने गलत किया है तो आपसे मतलब कुछ अपेक्षा नहीं की जा सकती, अगर आप इस सवाल को गलत कर रहे हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको गलत किया है, सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज नॉट रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, निम्न में से कौन सा रोग हृदय वाहिक तंत्र प्रणाली से संबंधित नहीं है, एथेरोस्क्लेरोसिस, एंगिना पेक्टोरिस, क्रोन्स डिजीज, एन्यूरिज्म। एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, क्रोन रोग, एन्यूरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उन्होंने केवल क्या किया है, पूरा का पूरा सवाल जो है आपका कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कुछ लोग कॉपी पेस्ट करते हैं उसी प्रकार से ये जो पूरा का पूरा है आपका कॉपी पेस्ट हुआ है आपका यहाँ पे। ठीक है, कहाँ से, आपके पीवाईक्यू से, आई गेस 23 में पूछा गया था, जून में या मार्च में कभी तो भी पूछा गया है ये। ठीक है, वहां का पूरा कॉपी पेस्ट है, केवल एक चीज उन्होंने चेंज की है, वो क्या है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कन्फ्यूज करने के लिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आप देखेंगे आपको लगभग लगभग सेम मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको केवल ये टॉपिक हटा दिया है, कुछ लोगों ने इसको भी मार्क कर दिया है।
ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है कौन से रोग हृदय वाहिक तंत्र प्रणाली से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें आपका, इसमें आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है, एंगाइना पेक्टोरिस है, क्रोन्स डिजीज जो है वो नहीं है, आपके एनरिज्म जो है ये भी हो जाता है, ठीक है। तो क्रोन रोग जो है ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से संबंधित नहीं है। अगर आपने आज देख लिया है, अब तो ये रिपीट होने की संभावना बहुत ही कम है, दो बार हो चुका है, तो अभी शायद ही कभी रिपीट हो, बट आप ध्यान रखिए जब भी हृदय की बात आएगी, हृदय वाहिक तंत्र प्रणाली की, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात आएगी, क्रोन्स डिजीज वहां पे नहीं चिपकेगी, इसका आपको ध्यान रखना है, वहां पे कभी भी क्रोन रोग जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने हमारे पहले के पीवाईक्यू एनालिसिस देखे हैं, पीपीए अगर आपने पहले के देखे हैं सीरीज में, तो आपको बनेगा शायद ये वाला बड़ी आसानी से, इसका आंसर क्या होगा, क्रोन्स डिजीज होगा। वहां पे बताया था आपको इसका संबंध किससे है, आपके पाचन तंत्र की जो प्रणाली है उससे संबंधित है, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो आपका होता है इस प्रकार से, ठीक है, ये जो इस प्रकार से ट्रैक्ट होता है आपका उससे संबंधित होता है, यहाँ पे जो है आपका दिक्कतें आना शुरू होती है उससे संबंधित इसका होता है, ठीक है। तो आपका पाचन तंत्र अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, और आपका हार्ट जो है वो अलग है, कार्डियो जो है चीजें वो अलग होती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है, आज के बाद जीवन में आप क्रोन्स डिजीज को कभी भी मार्क नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मतलब देखिए अभी तक आपने देख लिए हैं, एक आपका पीवाईक्यू, दो पीवाईक्यू आपके रिपीट हो गए हैं, ठीक है, एक ये वाला सवाल देखिए, ठीक है, तीन सवाल ऐसे जो आपको बड़ी आसानी से बनने चाहिए थे, मतलब इसमें गलत करने का कोई भी स्कोप नहीं है, ठीक है। और आपने गलत किया है तो ऑब्वियसली आप ऐसे देखिए 6 मार्क्स तो आप ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं अगर आपने इन तीन सवालों में गलती की है तो, ठीक है। और पहला वाला भी काउंट कर लें, गेस्टाल्ट वाला, तो वो भी आसान सवाल था, तो लगभग 4 सवाल इज इक्वल्स टू आपके 8 मार्क्स, ठीक है। इस प्रकार की चीजें आपने नहीं करनी है, ठीक है। पीवाईक्यूज आर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप समझ जाइए। द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ओरिजिनल एंड कॉन्ट्रोवर्शियल फीचर्स टू एडलर फ्रॉइड फ्रॉम, है ना, जंग की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जंग जो है वो बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी थ्योरी की, ठीक है। जंग का व्यक्तित्व सिद्धांत जो है वो बात करता है आपकी कलेक्टिव अनकॉन्शियस की। लास्ट टाइम भी देखिए आपसे पूछा गया था किसके बारे में, लास्ट टाइम पूछा गया था आपसे इमागोज, मैंगोज, इमेजेस के बारे में, आर्किटाइप्स के बारे में, उन सब चीजों के बारे में पूछा गया, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए था ये चीजें। जंग पर्सनैलिटी थ्योरी में हमको ये देखने को मिलता है, उसी के साथ हमको क्या देखने मिलता है, एनिमा भी हमको यहाँ पर देखने मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इसको इन द सेंस कार्ल जंग को देखेंगे, जंग को देखेंगे आप कार्ल जंग को, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपका पिछले 4 टाइम से कंटिन्यूसली आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कौन आइडेंटिफाई करेगा, हम, लेकिन आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको ऐसे चीजें ढूंढना भी है, यहाँ पे 4 बार से लगातार रिपीट हो रहा है, तो क्यों नहीं पढ़ के जाएंगे आप इसको, ये बताइए, ठीक है। ये काम किसका होगा, पढ़ के जाना है, उसको याद करके जाना है, ये काम आपका होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, अब आई होप अभी तक तो वीडियो अच्छा लग गया होगा, तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, ओके। और ये रहा आज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, नंबर तो है नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पर पूछ रहा है स्टडीज ऑन वेट लॉस प्रोग्राम्स इन अ फॉलो अप स्टडी रिवील दैट। अब ये देखिए सवाल बड़ा ही आसान सा है, लेकिन इसने क्या किया है, बहुत घुमा दिया है यहाँ पे, ठीक है। उसको सिंपली क्या पूछना है कि हमको वेट लॉस और उसमें क्या फर्क होता है, उसको पूछना है स्टडीज ऑन वेट लॉस प्रोग्राम्स इन अ फॉलो अप स्टडी रिवील दैट। एक अनुवर्ती अध्ययन में भार हास कार्यक्रमों संबंधी अध्ययन से ज्ञात हुआ कि वेट गेन वॉज मोर फॉर दोज प्रैक्टिसिंग ड्रग थेरेपी, वेट गेन वॉज मोर फॉर दोज प्रैक्टिसिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, वेट लॉस वॉज लेस फॉर दोज प्रैक्टिसिंग ड्रग थेरेपी, दोज प्रैक्टिसिंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी वेर एबल टू मेंटेन देयर बॉडी वेट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 4, जो व्यवहार उपांतरण चिकित्सा ले रहे थे उन व्यक्तियों में भार अनुरक्षित था, ठीक है। अनुरक्षित की बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, जो व्यवहार मेंटेन बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्यवहार उपांतरण क्या है आपका, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, तो आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन को क्या बोलेंगे, आपसे व्यवहार उपांतरण चिकित्सा यहां से आप बोलना शुरू करेंगे आज के बाद से, ठीक है। यहां पे बोलना क्या चाह रहे हैं, स्टडीज ऑन वेट लॉस प्रोग्राम, जो आपने देखा होगा कि आप जो है 20 दिन में वजन कम करिए, ठीक है, उनपे जो स्टडीज है, इन अ फॉलो अप स्टडी रिवील दैट, उसके बाद जो स्टडी हुई उसने क्या रिवील किया कि जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे थे वो अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए, मतलब वो ऑब्वियसली वो मेंटेन कर पा रहे थे। अब ये कब बनेगा, जब आपको क्या मालूम होगा बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी होती क्या है, इसी को अगर आप देखेंगे तो ये सवाल है आपके, और आपके रिसर्च में, नॉट रिसर्च में, आपके पैराग्राफ में देखिए वहां पे 5 सवाल पूछे गए थे, ठीक है, इसी से संबंधित। तब तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो वो पहले रिसर्च के पैराग्राफ दे रहे थे, अभी 5-5 के वहां देने की आवश्यकता ही नहीं है, उन सवालों को ऐसे मोड़ के भी तोड़ के भी दे सकते हैं, जैसे ये सवाल है, इसी प्रकार के 10 और बना दे, पैराग्राफ वगैरह हटा दे वहां पर, अगर रिसर्च पूछना ही नहीं है तो, जस्ट इन केस, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे आपको पांच नंबर ये जो है, इसलिए जो आपका पैराग्राफ वगैरह वाला जो पोर्शन है वो क्या हो रहा है भी इजी हो जा रहा है, क्योंकि एक चीज को आप समझ के आपने बाकी के सारे सवाल वहां पे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कट ऑफ नीचे कब आ जाएगा? कट ऑफ नीचे तब आ जाएगा जब ये जो पांच सवाल है अलग अलग टॉपिक से होंगे, मतलब एक आपका थेरेपी से होगा, एक आपका गेस्टाल्ट से होगा मतलब और किसी टॉपिक से होगा, एक आपका यूनिट वन से होगा, एक आपका यूनिट थ्री से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी और यहाँ पे जो सारी चीजें हैं एक साथ मिल जाती हैं तो वहां पे आपका कट ऑफ वगैरह बढ़ जाता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। खैर वो बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और उसी के साथ देखिए यहाँ पर अगला सवाल, सवाल नंबर 11, द नंबर ऑफ केस ऑफ डिजीज इंजरी और डिसेबिलिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विच कैन बी एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ न्यू केसेस और द नंबर ऑफ एक्जिस्टिंग केसेस इज कॉल्ड। किसी एक निश्चित समय में किसी रोग, चोट अथवा अशक्तता के मामलों की संख्या, जैसे नए मामलों की संख्या अथवा विद्यमान मामलों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे निम्न में से क्या संज्ञा दी जाती है? क्या बोलते हैं उसको? मोर्टैलिटी बोलते हैं, मृत्यु दर की बात करते हैं, प्रचलन की बात करते हैं, प्रेवलेंस की बात करते हैं, मॉर्बिडिटी की बात करते हैं या फिर इंसिडेंस की बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं हम आपकी? यहाँ हम बात कर रहे हैं मॉर्बिडिटी की, अस्वस्थता की बात कर रहे हैं। हिंदी में पढ़ने पर काफी आसान सवाल हो जाता है, मामला नहीं है, कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। किसी एक निश्चित समय में द नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ डिजीज इंजरी और डिसेबिलिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब मान के चलिए आज किसी को इंजरी हो गई है ना, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं वो सब है, वहां पर रोग वगैरह हो चुका है, ठीक है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उसको हम यहाँ पर मॉर्बिडिटी का नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, मे बी रिपीट नहीं करें बट हाँ कर सकते हैं, आपको अगेन इस प्रकार के चार ऑप्शन देंगे, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, ठीक है। एंड मैच द फॉलोइंग में आपको पूछ सकते हैं, मे बी अपकमिंग जून 24 में या फिर दिसंबर 24 के अंदर, ठीक है। चांसेस है कि ये सवाल नया टाइप का है, इस प्रकार का सवाल न्यू है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अगला सवाल, अ डिक्रीज, सवाल इजी है लेकिन पूछा जिस प्रकार से गया है उसने क्या बना दिया है, इसको टफ बना दिया है, इसलिए बोल रहे हैं कि सवाल जो है आप एनालिटिकल टाइप के आएंगे, कंसेप्ट तो आपको मालूम होना ही चाहिए, उसके साथ साथ आपको चीजें भी आगे की मालूम होना चाहिए, आगे पीछे कैसी चीजें हो रही है, ठीक है। और अगर आप बेस्ट बुक के पीछे पड़े हैं तो आपका कभी नहीं होगा। ओके, अ डिक्रीज इन सेंसिटिविटी टू लेप्टिन इज फाउंड टू बी अ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू, लेप्टिन के प्रति संवेदनशीलता में कमी को निम्न में से किसमें योगदान करने वाला कारक पाया गया है? वेट गेन, वेट लॉस, मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, लॉस ऑफ एपिटाइट, ठीक है। ये सवाल आप कब सॉल्व कर पाएंगे? ये सवाल आप कब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको तीन चार चीजें मालूम हो, वो क्या क्या है? वो है आपका यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस के बारे में आपको मालूम हो, ठीक है, उसी के साथ साथ आपको LMH और VH के बारे में मालूम हो, वेंट्रोमीडियल लेटरल हाइपोथैलेमस उसके बारे में आपको वहां पर मालूम हो, एंड उसी के साथ साथ आपको मालूम हो ओरेपिया और एक्सिन के बारे में, और आपको मालूम है यहाँ पर लेप्टिन के बारे में, ठीक है। इतनी सब चीजों के बारे में अगर आपको मालूम है तो ही आप इस सवाल को बड़ी कंफर्टेबली इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इतना मालूम होने के बाद वहां पर आप जो एनालिसिस करना है उसको आप इजीली कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेवलेंस किस चीज का होने वाला है कि आपको नॉलेज अगर है इतनी सब चीजों का तो ही आप इसको कंफर्टेबली इजी सॉल्व कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि आपकी जो लेप्टिन को लेकर सेंसिटिविटी है वो किसको कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है, आपको लेप्टिन के प्रति संवेदनशीलता जो है क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, जिसमें किसको योगदान मिलता है? योगदान मिलता है आपको यहाँ पर वेट गेन को, ठीक है, ना कि वेट लॉस को। कई लोगों ने यहाँ पे वेट लॉस भी मार्क कर दिया होगा, तो वेट लॉस को नहीं करता है, वेट गेन को यहाँ पर करता है, ठीक है। मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए कंफ्यूज किया आपको हाइपोथैलेमस से, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट भी यहाँ पर नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर वन, वेट गेन, वजन बढ़ने में, ठीक है। यहाँ पे जो लेप्टिन नाम की चीज है, ये लेप्टिन टी नहीं है, यहाँ पे लेप्टिन नाम की जो चीज है वो क्या करती है, इसके दो प्रकार के लेवल हो सकते हैं आपके, हाई हो जाता है जब ये हाई बढ़ जाएगा तो क्या बोलता है आपके ब्रेन को? बस करिए अब खाना, ठीक है, बस करिए खाना। और जब ये कम हो जाएगा तो क्या बोलेगा? और भूख लगी है, और भूख लगी है। तो जब और भूख लगती जाएगी आप खाते जाएंगे खाते जाएंगे, क्योंकि आप क्या हो चुके हैं? डिक्रीज इन सेंसिटिविटी टू लेप्टिन, लेप्टिन अभी आपको महसूस ही नहीं कर पा रहे, तो क्या होगा कि जो कंप्लीट होने के बाद जो मैसेज करता है आपके ब्रेन को कि हाइपोथैलेमस को वहां पर कि आप बस करिए खाना, यहाँ पर बहुत बहुत कुछ हो चुका है, यहाँ पे अभी हमको और नहीं खाना है, लेकिन ये क्या हो चुका है? अब ये कम हो रहा है, कम होगा तो क्या होगा? आप और खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, एंड देन क्या होगा? देन आप वेट गेन कर लेंगे और मोटापा आपको घेर लेगा, मोटापा घेर लेगा तो जीवन कठिन हो जाएगा और आप जो है टाइप ए वाले के अंदर चले जाएंगे। टाइप ए से इन द सेंस कि आपको जो है हार्ट डिजीज वगैरह का होने का खतरा वहां पर आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को भी बढ़ाते हैं आगे, और यहां पर देखिए आपने आपके यूजीसी नेट साइकोलॉजी दिसंबर 2023 में हुए वाले आपके सभी PYQ सभी इन द सेंस 10-12 देखे आपने यहाँ पर, उससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इससे आपने नोट डाउन भी किया होगा आई होप।
ये किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। 24 में अगर इसको सीरियसली नहीं लेंगे तो अगेन आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए इसको जो नोट वगैरह बता रहे हैं यहाँ पे उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1, पार्ट 2 था शायद आपका, ये अगले वीडियो में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे इन्हीं PYQs को और इसी प्रकार से डिटेल्स के साथ और आगे पार्ट नंबर 3 के अंदर, राइट। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और इसी के साथ अगर आप इसी प्रकार की और भी धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं जून 2024 के बैच के लिए या फिर आपके दिसंबर 24 बैच के लिए, जैसी आपकी इच्छा हो। ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे नंबर दिया गया है, वहां पे आप संपर्क करके बाकी की अन्य डिटेल्स वगैरह भी ले सकते हैं। तब तक के लिए